नई उम्मीद नए विश्वास के साथ एक न्यू वीडियो के साथ मैं मंजू तिवारी एक बार फिर से आप लोगों के बीच आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना, जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। और गीत सुनने के लिए हमारे फर्स्ट होम मंजू यूपी ब्लॉग वीडियो पर भी आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे गीत, अच्छी कहानियाँ और ब्लॉग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको हर तरह की जानकारी, खाने की रेसिपी से लेके जो भी गुड़ हमारे अंदर है सारा सब कुछ आपको दिखाएंगे। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो पर। आज मैं आप सबको मतलब दिखाने जा रही हूँ, दिखाने क्या, हमारे आए हुए हैं मेहमान आ रहे हैं और हमारी बिटिया को देखने के लिए, तो हम उनसे आपको मिलवाएंगे। प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सुबह के खाने में हमने जो कुछ बनाया था तो हमने सोचा अपने घर तो रोज मतलब सब कुछ खाया ही जाता है, कुछ नया बना दें। बनाने जा रहे हैं दाल पूरी, और यहाँ पर देखिए हमने दाल को भिगो के रखा हुआ है, अभी साफ करना बाकी है तो थोड़ा लेट से भिगोए हैं। और ये मसाला पीस रही हूँ, थोड़ा सा पीसा गया है, पीसते हुए दिखाऊंगी तो आपको आवाज आएगी। यहाँ पर हमने सब्जी आलू को काट के रखा हुआ है, पिताजी गए हुए हैं बाजार और कुछ लाएंगे इसमें मिक्स करने के लिए, तो वो चीज मिलाएंगे। बाकी देखिए उधर बैग पे दिखा बेटा, वहां पर हमने सिमई को भून के कढ़ाई में छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। बाकी चाय बनाया, अभी शाम का टाइम था, सारा सब कुछ हो चुका है हमारा। और ये देखिए हमने पपीता उबाल के रखा हुआ था हलवा बनाने के लिए, पर नहीं बनाए हैं, अगर सही रहेगा तो सुबह में बनाएंगे, नहीं तो फिर गैया खा जाएगी। और सारा सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, लास्ट तक उनसे भी मिलवाएंगे, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए थोड़ा सा मसाला पीस के दिखाते हैं कि आज के जमाने में मैं सिंपल ही मसाला पीसती हूँ, मेरी ऐसी क्या मजबूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, और अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है, आदत भी पड़ जाती है, आपके खून हाथ का दौरा भी हो जाता है काम के बहाने। तो चलिए बस मसाला सारा पीस लेते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। अम्मा जा रही हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है देखने के लिए, तो वहाँ का ब्लॉग मैं जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने भी बिटिया के लिए मन्नत मानी हुई है, तो मैं जाऊंगी दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को भी साथ ले चलूंगी। हमारे गांव का बहुत अच्छा स्थान है, वहीं पर गोदान फिल्म की शूटिंग हो रही है हमारे यहाँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर, तब तक अपना मसाला पीस लें, आप लोग भी चाय वाय पीजिए। तो हाय दीवान, यहाँ पर देखिए हमने दाल को दो तीन पानी धो करके भिगोया हुआ था जो कि आपको नहीं दिखाए थे, अभी हम इसको धोए हुए हैं फिर से। दाल देखिए मटर वटर चीज़ें सौदा बहुत कच्चा होता है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से धोना होता है। बाजार की चीज़ें उसको बहुत अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मटर जो है इसको हम साफ करके चल रहे हैं भूनने के लिए, सारी तैयारी किए हुए हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे दाल पूरी रेसिपी, बनाएंगे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ और मिलवाएंगे अपने अम्मा के जीजा जी से। मासी माँ से तो आप लोगों को मिलवाई चुके हैं, पर्सनली नहीं मिलवाए, थोड़ा सा ब्लॉग दिखाए थे आप लोगों को जब मैं जा रही थी अपने मायके फर्स्ट वाले होम पर। तो एवरीवन, देखिए हमने दाल को अच्छी तरीके से साफ कर लिया, आइए चलते हैं किचन में। कैसा ब्लॉग दिखाएं फैमिली, इतनी गर्मी है हमारे यहाँ, इतनी ज्यादा विकट गर्मी सच में पड़ रही है, और लाइट भी नहीं है। खैर लाइट होती तो भी किचन में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ाई हो चुकी है गर्म, थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, और ये देखिए लहसुन लिए हैं छील के रखे हुए हैं तड़का के लिए। तो आप बोलोगे कट नहीं किया क्योंकि दाल पीसेगी तो लहसुन भी इसमें पीस ही जाएगा, इसके लिए कढ़ाई रखे हुए हैं। मिर्ची है, हाथ में लिए थे रख दिए थे नीचे, तो ये दो तीन टुकड़ों में डाल देंगे इसको भी, हाथ से कट कर रहे हैं, कभी कभी छू देते हैं कहीं तो फिर जब पता चलता है कि मिर्ची लग रही तब समझ में आता है। यहाँ पर लिए हैं इतना सा जीरा, दाल के अकॉर्डिंग जीरा लेना है आपको, जीरा से लहसुन से ये चीज़ें महकती हैं अच्छे से। इतना हींग लिए हैं, हींग जो है हमारी पाचन क्रिया को सही रखता है, इसके लिए हींग जानना जरूरी है, और मटर की दाल वैसे भी बादी होती है, इससे हमें एसिडिटी बनती है, तो हींग जरूरी है बहुत ज़्यादा।
बादी मतलब नुकसानदेह होती है, गैस बनती है इससे। देखिए हमारा तेल हो चुका है, तब तक हम चल रहा है। इसको आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं भूनना है, हल्का सा कच्चा रहेगा तभी स्वाद बढ़िया आएगा, बस थोड़ा सा ही भूनना है। जीरा ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देते हैं जिससे कलर बढ़िया सा आए, और हल्दी तेल में इसके लिए ऐड कर रहे हैं ताकि पक जाए, हल्दी का पकना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसमें दाल को भून देंगे, हींग को नहीं भूनना है, पकते समय डालेंगे ताकि उबल के सारा मिक्स हो जाएगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम दाल को थोड़ी देर भूजे हैं, कम से कम 5 मिनट तक आपको भूनना है इसे। इसके बाद पानी बहुत कम मात्रा में डालना है, नहीं तो अगर दाल जो है ज्यादा पक जाती है तो पीसने के बाद उसका पूरन जो है गीला हो जाता है, तो फिर भरने में मजा नहीं आता है, पूरन एकदम भुरभुरा होना चाहिए आपका। देखिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जिससे मटर पक जाए, कभी कभी मटर नहीं पकने वाली होती है तो आपको बेकिंग यानी मीठा थोड़ा जो है ऐड कर देना चाहिए ताकि बढ़िया से पक जाए। देख लीजिए पानी हमने बस इतना ही डाला हुआ है इसमें, अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। नमक आपको अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालना है, ये देखिए नमक, और ये देखिए हमारी जो है हींग, इसी में हम डाल देते हैं। अब इसको हम ढक देंगे, एक उबाल आने के बाद धीमी आंच कर देंगे, एक पक जाएगा थोड़ा तेज आंच करके इसको सौंधा कर लेना है, फिर इसको पीसना है, तो चीज हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। जब तक हम जा रहे अपनी गैया का दूध निकाल लें, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से गर्म हो रहा है सेवई बनाने के लिए, इसके बाद हम चले, हमारी दाल बढ़िया से हो गई है तैयार, इसको अच्छे से पीसेंगे और पीस कर आप लोगों को दिखाएंगे सिलबट्टे पर। यहाँ पर देखिए हमारी दाल बढ़िया से एकदम गल के पक गई है अच्छे से, और इसको हम गरम गरम ही पीसेंगे, नहीं तो पीसने में हो जाती है दिक्कत, और अच्छे से पकी हुई है एकदम भुरभुरी। तो इसी तरीके से हमको सारी दाल को पीसना है। बढ़िया से पीस लेंगे, पीसने के बाद आटा लगाना है, सब्जी बनाना है, बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। ये देखिए इसी तरीके से हम सारी दाल को अच्छे से पीस लेंगे, इसके बाद बनाएंगे दाल पूरी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आटा लगा के सब्जी गूंथ के, मिलते हैं आप लोगों से। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए सारी चीज़ें दिखाएं, तो यार अगर 5-5 मिनट करते हैं तो भी वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी, और आप लोग ऐसे भी नहीं वॉच करते। चलिए मिलते हैं आप लोगों थोड़ी देर में, जब तक इसको पीस लें। सो हाय एवरीवन, हमारा सब कुछ बनके तैयार हो गया है, और गर्मी इतनी जोरों से पड़ रही है क्या बताएं आप लोगों से, कुछ बता नहीं सकते। ये देखिए सब्जी बनी हुई है, आलू टमाटर कोंडोरी की, और यहाँ पर हमारी जो सिवई है वो बनके तैयार हो चुकी है। और हाथ गर्म, यार मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है, एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी प्रॉब्लम में डाल देती है। इसको जाले वाले कटोरे से इसलिए ढके हैं ना, तो भाप लगती रहेगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिर पूरी एक दो बना के आपको दिखा देते हैं, फिर मेहमान जी से मिलवाएंगे, मिलवा पाते भी हैं या नहीं बने रहेगा लास्ट तक आप लोग। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसी लोई लेके काटना है चकई को। इसके बाद देखिए अम्मा हमारी बेलेंगी पूरी, हम पूरा नहीं बेल पाएंगे, ठीक है। अब आपको इस तरीके से इसमें भर लेना है अच्छे से। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे भर लेना है। अब हम इसको बढ़िया से बेलेंगे, तो देखिए इस तरीके से हमने पूरी को बेला हुआ है, आप देख सकते हैं बढ़िया से। जब तक ये धीमी आंच पे पक रही तब तक दूसरे वाले तैयार कर लेते हैं, ठीक। इसी तरीके से पूरी को बनाना है, आटा अच्छे से
याद है कि गुथा हो आपका, अगर आटे में प्रॉब्लम होती है तो पूरी फट जाती है। इस तरीके से आपको जो है इसको ऑयल से ग्रीस कर देना है अच्छे से, चाहे राई का तेल हो या फाड़फूड़ी यानी मीठा तेल, सेम तेल कोई भी हो, चाहे आपके घर में घी है तो घी आप लगा सकते हो, जो भी है उसी से आपको इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है दोनों तरफ, याद रहे। और आँच धीमी होनी चाहिए ताकि इसका अंदर का भाग पक जाए ढंग से, जो है नहीं तो पकता नहीं है, फिर कच्चा आने लगता है, स्वाद अच्छा नहीं लगता इसका। तो इसी तरीके से हम सारी पूरियों को बना लेंगे। इसके बाद चलिए अब जिन मेहमान की बात किए हैं तो आए हुए हैं हमारे मौसा जी यानी अम्मा के बहन हुई बिटिया को देखने के लिए, चलिए देखिए उनसे मिलवाते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पूरियाँ हमारी बन रही हैं बहुत अच्छे से, आपको इसी तरीके से टहलाना है इनको ताकि किनारे का भाग जो है अच्छे से पक जाए। पूरी अच्छे से पक के बढ़िया तैयार हो गई एकदम परफेक्ट। तो आप इसके चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ, चावल की खीर हो उसके साथ, या ये वाली जो सेवई होती है उसके साथ कैसे भी आप खा सकते हैं। याद रहे कि पूरी को अलग अलग रखना है, नहीं तो अगर गर्म आप एक ही साथ में रख देते हो तो सही नहीं रहता। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो हाय एवरीवन, ये है हमारे मौसा जी यानी हमारी अम्मा की बहनोई जो कि हमारी बिटिया को देखने आए थे और आज जा रहे हैं, तो हमारे पिताजी की ही उम्र के हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए यार तो लाइक शेयर तो कर ही दिया करो। जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अभी हमारे यहाँ सफाई नहीं हुई इसके यहाँ, इसके लिए बारिश के मौसम में घास वास हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखिए मौसा जी आगे निकल रहे हैं, पिताजी उनको चौराहे तक छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से पैदल आप लोग देखते हो मेरी वीडियो में मैं पैदल जाती हूँ, तो पिताजी चौराहे पर वहाँ उनको सवारी मिल जाएगी, वो चले जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब।